आज हम देखेंगे आयरन मैन के साथ बारह आठ स्टोरी मिशन कैसे क्लियर करें। ठीक है, देखिए मैं आपको जो स्टेप बता रहा हूँ उससे आसान है। पहले पहले हमें थ्री एक्टिव करना है, उसके बाद हटाना है अपने प्लेयर को, फिर जाके मुझे फाइव क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप आयरन मैन को इस्तेमाल करें, मैं सभी प्लेयर के साथ इसे क्लियर करके दिखाऊंगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। ठीक है, बस इस बात का ध्यान रखना है कि जो है 3-5-4 इस रूल को आप, मतलब पहले तीसरा स्किल, फिर पांचवा स्किल, फिर चौथा स्किल, क्योंकि देखिए तीसरे से क्या होता है, डिफेंस डाउन होता है, फिर पांचवा जो मास अटैक करता है, तो इसलिए जो है तीसरा, फिर अगेन पांचवा, देन चौथा। चौथा इसको डिफेंस प्रोवाइड करता है आपके कैरेक्टर को, आयरन मैन को। ठीक है, और हाँ, ओडिन जो है बहुत पावरफुल कैरेक्टर है, तो इसको ये आसानी से मार सकता है, तो इसलिए हमें अपने कैरेक्टर को बचा के रखना है जिस भी तरह से, वो भगा के या किसी तरह, वरना ओडिन काफ़ी पावरफुल कैरेक्टर है, वो आसानी से मार सकता है। मैंने कहा ना बच के रहें इनके अटैक से, ये बहुत बहुत पावरफुल है। अगर इसका अगर आपको एक भी स्पीयर लग गया ना, देख लीजिए, ओ गॉड डैम इट, भागो भागो जल्दी जल्दी जल्दी, भाई 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 भाई, तो देखो आप कितना भी वेल डेवलप क्यों ना किया हो, ये बफ रिमूवल करेक्टर है, और बफ रिमूवल करेक्टर आपके करेक्टर को आसानी से मार सकता है, याद रखना आप इस चीज़ को। बफ रिमूवल करेक्टर के सामने आपका आपका कोई भी करेक्टर का बफ नहीं चलेगा, मतलब इधर उधर कुछ भी अगर समन करता है तो। ये देखिए मैंने काफ़ी प्रॉब्लम से किया ये स्टेज के लिए, लेकिन आप अगर इस रूल को फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैम आयरन में उतना ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको रूल फॉलो करने हैं। पहला तीसरा अटैक, फिर पांचवा अटैक, फिर चौथा, और हाँ बचने के लिए आपको ओडिन के केस में आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि वो बफ रिमूवर है, वो आपके सारे अटैक को रिमूव कर देता है और डिफेंस तक को रिमूव करता है। ठीक है ना, ओडिन के हर एक अटैक में जो डिफेंस डाउन वाला है, जो आपके डिफेंस को, तो आइए मैं आपको आयरन मैन का अपना डेवलपमेंट दिखा देता हूँ। ऑल गियर, इवन आप देख सकते हो मैंने मैंने किस तरह से इसे बिल्ड किया है, फिर भी तो अगर आपको अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है इस चीज़ को ठीक करने में। ठीक है, और जो है अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा, तो मैं फिर हल्क के साथ बनाऊंगा या फिर कैप्टन मार्वल के साथ।